जितना का बेस लिमिट्स में शाविया बोल के एक 24 इयर्स वुमेन था, उसके ऊपर उनका रिलेटिव्स एंड नोन पर्सन मणिकंठा 30 इयर्स उन्होंने हरिबोल में रहता, उन्होंने आज उसके घर में घुस के एक स्क्रू ड्राइवर से उनके ऊपर अटैक करके उसको मारने की कोशिश करें। फैक्ट्स है, ये शाविया वारंगल से शिफ्ट होके लास्ट 15 साल से हैदराबाद में उनके मदर के साथ रहती थी, इन्हों ब्यूटिशियन वर्क काम करती। ये मणिकंठा एक फूड कोर्ट चलाता है हैबिट्स में, एक दूसरे डिस्टेंस रिलेटिव्स है एंड एक दूसरे को पहचानते। 2019 में एक अक्षत नाम वो लड़के से लव मैरिज हुआ शाविया को, वो कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग था। ये मणिकंठा वो लड़की को मैं शादी करता हूँ उनके प्रपोज करें, वो डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग था ना, अभी शादी करने को नहीं होता, वो खत्म होने के बाद कर लेंगे बोल के बच्ची इन्फॉर्म करें, लेकिन इन्हों बार बार वही प्रेजर कर रहा बच्ची को। आज सुबह 9 बजे जब बच्चे जिम को जाके घर को आया, उनके पीछे पीछे जाके फिर शादी के बारे में बच्चे को फोर्स करें वो, और इन्हों बच्चे को सस्पेक्ट कर रहा, नहीं मेरे पसंद नहीं है क्या, वो कोई दूसरा बच्चे को इन्हों पसंद करती क्या बोल के इन्हों शक से वो उसके ऊपर हमला करे। वो घर में एक स्क्रू ड्राइवर ले लेके बच्चे के फेस में एंड चेस्ट में इंजरीज करें, बाद में बच्चे को गला दबा के मारने की कोशिश करें। पड़ोसियों ने इमिडिएट पुलिस स्टेशन पर इंफॉर्मेशन आया ऐसा हो रहा, कोई अटैक कर रहा बोले, तो इमिडिएटली हम जाके वो डोर को फोर्सफुली ब्रेक ओपन करके बच्चे को रेस्क्यू करें। अभी अस्त्रा हॉस्पिटल में एडमिट करें, बच्चे आउट ऑफ डेंजर है, अभी स्टेबल है। वो लड़का मणिकंठा को हम कस्टडी में लिए, मम्मी बच्चे के मम्मी एक कंप्लेंट दिए थे उसके अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर कर रहे थे, उनको अभी कोर्ट को रिमेंड कर रहे थे और पूरा एविडेंसेस कलेक्ट करके इसके ऊपर चार्जशीट करके कन्विक्शन ले लेते इसके ऊपर।